सभी का स्वागत करता हूँ। यह हमारी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, जिसमें हम दो क्लासों को देख चुके हैं। पहली क्लास में हमने ज्योग्राफी की सामान्य जानकारी देखा था, ज्योग्राफी का इंट्रो देखा था। दूसरी क्लास में हमने इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस और उसके भागों को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत हम भारत का नामकरण और भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अब स्थिति को देख चुके हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं जो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राजधानियां कौन कौन सी हैं। आप जिन लोगों ने भी हमारा पहला वीडियो नहीं देखा उसमें आप जाके पहला वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अब स्थिति के बारे में पता चल जाएगा। ठीक, तो आप वो पहला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। क्या देखते हैं अपन भारत के राज्यों की राजधानी। तो सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, तो भारत के सबसे ऊपर दो केंद्र शासित प्रदेश है, लेह और जम्मू कश्मीर। लेह की राजधानी है लद्दाख और जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, जम्मू। इसके बाद नीचे साइड आते हैं तो हमारे लिए क्या मिलता है, हिमाचल प्रदेश मिलता है, जिसकी राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के नीचे आते हैं तो इधर पे हमें मिलता है उत्तराखंड, जिसकी राजधानी है देहरादून। अभी उत्तराखंड सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की है, तो वो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो कौन सी जगह है जिसको उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। अब हिमाचल प्रदेश के लेफ्ट साइड आते हैं तो इधर पे हमें मिलता है पंजाब, जिसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़। और पंजाब के नीचे ही हरियाणा, हरियाणा की राजधानी भी क्या है, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी वह स्वयं राजधानी है। हरियाणा की साइड में जाते हैं तो इधर पे दिल्ली मिलता है, जिसकी राजधानी भी दिल्ली, और यही नई दिल्ली भारत की भी राजधानी है। हरियाणा के लेफ्ट साइड में जाते हैं तो इधर पे हमें मिलता है क्या, राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के नीचे साइड जाते तो अपन को मिलता है क्या, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के लेफ्ट साइड आते तो अपन को गुजरात मिलता है, जिसकी राजधानी क्या है, गांधीनगर। गुजरात और मध्य प्रदेश के नीचे साइड जाते तो इधर पे हमें मिलता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के नीचे साइड अपन जाएंगे तो इधर पे हमें क्या मिलेगा, कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या हो जाएगी, बेंगलुरु। महाराष्ट्र और बेंगलुरु के बीच में एक छोटा सा राज्य है, जिसकी राजधानी क्या है, पणजी। छोटा सा राज्य कौन सा है, गोवा, जिसकी राजधानी है पणजी। जब कर्नाटक के नीचे साइड जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, केरल। केरल की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। केरल के जब राइट साइड जाएंगे तो वह हमें इधर पे क्या मिलेगा, तमिलनाडु, जिसकी राजधानी कौन सी है, चेन्नई। जब तमिलनाडु के अपन ऊपर साइड जाते हैं तो इधर पे हमें मिलता है आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी, अमरावती। आंध्र प्रदेश से 2014 में एक राज्य अलग होकर बना था, जिसका नाम था तेलंगाना, और उसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद। जैसे ही हम तेलंगाना के ऊपर साइड जाएंगे तो हमें मिलता है छत्तीसगढ़, जो 2000 में भोपाल, 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था, और उसकी राजधानी क्या है, रायपुर। जब छत्तीसगढ़ के राइट साइड अपन जाएंगे तो इधर पे हमें क्या मिलेगा, उड़ीसा, जिसकी राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। उड़ीसा के ऊपर साइड जाएंगे तो इधर हमें मिलेगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। फिर अपन आ जाते दिल्ली। दिल्ली के साइड आएंगे तो दिल्ली के जब हम राइट साइड पे जाते तो इधर पे है हमारा प्यारा यूपी। यूपी की राजधानी है भैया क्या, लखनऊ। जब यूपी के राइट साइड में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा भैया, बिहार। बिहार की राजधानी हो जाएगी पटना। बिहार से 2000 में एक राज्य अलग हुआ था, जिसका नाम था झारखंड, और उसकी राजधानी है रांची। ये तो मेन मेन होगा जो अपन को लगभग याद होते हैं, लेकिन जहां पे कंफ्यूजन होता है वो होता है पूर्वोत्तर वाला एरिया। तो अपन चलते हैं पूर्वोत्तर वाले एरिया की राजधानी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो हमारा ऊपर उठा हुआ भाग है ये क्या है भैया, हमारा सिक्किम, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी, गंगटोक। क्या हो जाएगी, गंगटोक। और ये वाला जो भाग है ये वाला है भैया हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल के नीचे ही क्या है भैया, नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, कोहिमा। नागालैंड के नीचे क्या है, मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर के नीचे अपन जाते हैं तो क्या मिलता है हमारे लिए, मिजोरम, जिसकी राजधानी है आइजोल। जब मिजो के हम लेफ्ट साइड जाते तो इधर पे राज्य है जिसका नाम है त्रिपुरा, जो तीन ओर से क्या है, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी क्या है, अगरतला। बच गए दो राज्य। अब कौन कौन से राज्य बच गए, दो बच गए। पहला बच गया असम, ये हो जाएगा असम, और ये हो जाएगा मेघालय। तो असम की राजधानी क्या है भैया, असम की राजधानी क्या है भैया, अपनी दिसपुर। असम की राजधानी क्या है,
दिसपुर। और मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगी भैया? शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या है भैया? शिलोंग। वही पूर्वोत्तर वाला एक बार और देख लेते, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। सिक्किम की राजधानी हो जाएगी गंगटोक। अरुणाचल प्रदेश की हो जाएगी ईटानगर, उसके अरुणाचल के नीचे मिलता है नागालैंड, जिसकी राजधानी हो जाएगी कोहिमा। नागालैंड के नीचे हमें मिलता है क्या? मणिपुर, जिसकी राजधानी इम्फॉल। मणिपुर के नीचे जाएंगे तो अपन को क्या मिलेगा? मिजोरम, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगा? आइजोल। मिजो के लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो अपन को क्या मिलेगा? त्रिपुरा, जो तीन ओर से क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से घिरा हुआ है, उसकी राजधानी हो जाएगी अगरतला। जब अपन त्रिपुरा के ऊपर साइड जाएंगे तो ये वाला एरिया कौन सा है? असम। असम में क्या मिलेगा? असम की राजधानी क्या हो जाएगी? दिसपुर। और असम के राइट लेफ्ट साइड में जाएंगे तो अपन को मिलेगा मेघालय, जिसकी राजधानी है शिलोंग। तो ये सभी हमने देख लिए जो भारत के राज्य हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी को देख लिया है। अब तीन चार केंद्र शासित प्रदेश और बचे हैं, तो आइए हम उनकी राजधानी को भी देख लेते हैं। इधर पे हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है दमन द्वीप व दादर नगर हवेली। दमन द्वीप व दादर नगर हवेली क्या है? इधर पे केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी क्या है भैया? दमन। इसकी राजधानी क्या है? दमन। इस साइड आएंगे तो इधर पे हमें क्या मिलेगा? एक भारत का एक और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जिसकी राजधानी क्या है? करवत्ती। क्या है? करवत्ती। इधर पे हमें मिलता है पुदुचेरी। पुदुचेरी जिसकी राजधानी भी क्या है? पुदुचेरी। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अगर देखा जाए कि ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ ये कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट बेलेयर। क्या है? पोर्ट बेलेयर। तो अपन ने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियों को देख लिया है। अब अपना अगला जो पार्ट है उसमें अपन क्या देखेंगे कि जो भारत के राज्य हैं, भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों को देखने के बाद आइए हम देख लेते भारत के स्थल से लगने वाले पड़ोसी देश और उन देशों से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से। इससे पहले जो हमारी क्लास हो चुकी है उसमें हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो आइए हम एक बार पुनः रिवीजन कर लेते कि भारत के स्थल से लगने वाले पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है हमारा, अफगानिस्तान है, इसके बाजू में चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक, इनको याद रखने की एक और ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है वो? बचपन में एमबीए। ट्रिक क्या है भैया? बचपन में एमबीए। इसका जो मैं होता है ये साइलेंट होता है, इसका कोई यूज नहीं होता है। इस ट्रिक के माध्यम से अपन एक और बात याद रख सकते हैं कि भारत में घटते क्रम में सीमा बनाने वाले राज्य जैसे कि बांग्लादेश, बांग्लादेश ये सबसे ज्यादा सीमा बनाता है भारत के साथ। इसके बाद कौन आता है? चीन। उसके बाद आएगा अपना पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान। ना से हो जाएगा नेपाल, एम से हो जाएगा म्यांमार, एम से क्या हो जाएगा? म्यांमार। बी से हो जाएगा भूटान और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक, तो ये सात राज्य, सात देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा को साझा करते। तो आइए देख लेते हैं कि ये कितनी कितनी सीमा को साझा करते हैं। सबसे ज्यादा कौन करता है? बांग्लादेश। और सबसे कम कौन सा करता है? अफगानिस्तान। तो बांग्लादेश सीमा साझा करता है भैया कितनी? 4096.7 यानी कि 4096 किलोमीटर लगभग। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है भैया? चीन, जो लगता है कितना? 3388 किलोमीटर। उसके बाद कौन सा आ जाता है? पाकिस्तान, सॉरी देखिए इसको 33 नहीं है, ये कितना है? 3488 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान लगता है जो कितना लगता है? 3323 किलोमीटर। इसके बाद अपन चलेंगे तो क्या आ जाता है? नेपाल, नेपाल लगता है कितना? 1751 किलोमीटर। उसके बाद म्यांमार, म्यांमार कितना लगता है? 1647 किलोमीटर। उसके बाद लगता है भूटान, भूटान कितना लगता है? 699 किलोमीटर। और सबसे कम लगता है कौन सा? अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। ठीक, तो अब इनसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान से कितने भारत के राज्य सीमा साझा करते, सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन करता है। तो आइए हम इनको एक क्रम में
देख लेते। सबसे पहले देखते अपन बांग्लादेश, सबसे पहले अपन क्या देखते हैं बांग्लादेश। इसको याद रखने के लिए सबसे अच्छा है कि भैया एक बार इंडिया के राज्यों का मैप भर के देख लो और उसके जो पड़ोसी देश है उनको भर के देख लो मैप में, तो अपन को याद हो जाएगा कि कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो सबसे पहला लगता है भैया पश्चिम बंगाल, ठीक। ये इधर से ऐसा चिकन नेक की तरह पर जाता है, ऐसा ऐसा जाता है, ये पश्चिम बंगाल। इसके इधर पे क्या है भैया अपना मेघालय, पश्चिम बंगाल। फिर कौन सा लगेगा मेघालय, फिर मेघालय के साइड पे जाएंगे तो इधर पे हमें क्या मिलता है ऐसा ऐसा असम, तो कौन सा हो जाएगा असम भी लगता है। उसके बाद इधर पे ये त्रिपुरा और इधर पे ये मिजोरम, कौन कौन सा त्रिपुरा और मिजोरम। इतने ही राज्य हैं, आप मैप में एक बार देख लीजिए कि पांच राज्य हैं जो कैसे सीमा बनाते भैया बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं, कौन कौन से पश्चिम बंगाल मेघालय असम त्रिपुरा और मिजोरम। और सबसे ज्यादा सीमा कौन से बनाता है भैया, सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है भैया अपना पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश के साथ जो भारत का राज्य सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है वो कौन सा है पश्चिम बंगाल। अब इसके बाद अपन देखते चीन, चीन से भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं वो भी देख लेते हैं। इधर पे बात करते तो इधर पे है भैया अपना लद्दाख, ठीक। ये क्या है भैया लेह, ठीक, इसकी राजधानी लद्दाख है, ठीक, तो लेह लगता है। उसके नीचे इधर पे हमें क्या मिलेगा एचपी और उसी के बाद हमें क्या मिलेगा यूके, यानी कि हिमाचल प्रदेश मिलेगा, उत्तराखंड मिलेगा। अब फिर इधर पे नेपाल आ जाता है, ये कौन सा है भैया अपना सिक्किम, सिक्किम भी लगता है। फिर ये भूटान हो जाएगा और ये कॉर्नर पे कौन मिलता है अरुणाचल, कौन मिलता है अरुणाचल, ठीक। तो चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है। सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन करता है चीन से, तो कौन करता है भैया लेह साझा करता है। इससे पहले जम्मू कश्मीर करता था लेकिन उसका क्या कर दिया है विभाजन कर दिया गया, तो सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है चीन के साथ, लेह केंद्र शासित प्रदेश की लगती है। अगले पे चलते हैं तो पाकिस्तान, अगला देश पाकिस्तान। पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं भारत के, तो ये उधर पे हो जाएगा गुजरात, इसके बाद हो जाएगा इधर पे अपना कौन सा राजस्थान, ये हो जाएगा पंजाब, और ये क्या हो जाएगा भैया अपना जम्मू कश्मीर। तो देख लेते कौन कौन से हो जाएंगे भैया, सबसे पहले तो देख लो गुजरात, उसके बाद क्या हो जाएगा भैया अपना राजस्थान, ठीक, उसके बाद जाएंगे तो पंजाब, फिर अपन को क्या मिलेगा जम्मू कश्मीर, क्या मिलेगा जम्मू कश्मीर। और जो इससे सबसे ज्यादा साझा अब करता है वो जम्मू कश्मीर, जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है वो कौन करता है जम्मू कश्मीर, क्योंकि वो कटा फटा हुआ क्षेत्र है, तो इस कारण से जम्मू कश्मीर ही सबसे ज्यादा सीमा साझा किसके साथ करता है पाकिस्तान के साथ। कहीं कहीं पे आपको राजस्थान भी मिल सकता है लेकिन सही कटे फटे होने के कारण, लेकिन सबसे ज्यादा सीमा कौन करता है जम्मू कश्मीर, ठीक। तो अपन ने देख लिया तीन राज्य तीन देशों को देख लिया कि कौन कौन से राज्यों से सीमा साझा करते, बांग्लादेश से पांच करते हैं, पश्चिम बंगाल मेघालय असम त्रिपुरा और मिजोरम, और सबसे ज्यादा जो बांग्लादेश से लगता है वो राज्य है पश्चिम बंगाल। इसके बाद चीन पे देखा तो चीन में देखा अपन ने इनसे भी पांच राज्य लगते, बोलने को चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश है लेह, उस चार राज्य हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा सीमा साझा किस कौन करता है लेह करता है। इसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान से तीन राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि चार लगते हैं गुजरात राजस्थान पंजाब और जम्मू कश्मीर। सबसे ज्यादा सीमा जो साझा करता है वो कौन करता है जम्मू कश्मीर करता है। आइए तो आप अपन आगे देख लेते हैं, आगे कौन सा हो जाएगा नेपाल, कौन सा हो जाएगा नेपाल। नेपाल 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 से इधर पे लगता है उत्तराखंड यूपी, ये हो जाएगा अपना बिहार, ये हो जाएगा अपना क्या पश्चिम बंगाल, और ये हो जाएगा सिक्किम, यानी कि टोटल कितने राज्य पांच राज्य, पांच राज्य लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं उत्तराखंड यूपी
बिहार, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और उसके बाद सिक्किम। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और जो नेपाल के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, कौन करता है? बिहार राज्य नेपाल के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला कौन सा है? म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार। इसके साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो आइए देख लेते मैप में। ये इधर पे अरुणाचल लगता है, उसके बाद इधर पे नागालैंड लगता है, फिर मणिपुर लगता है और ये मिजोरम लगता है। यानी कि चार राज्य लगते हैं जो म्यांमार सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? अरुणाचल, दूसरा हो जाएगा नागालैंड, तीसरा हो जाएगा मणिपुर, चौथा हो जाएगा मिजोरम। चौथा क्या हो जाएगा? मिजोरम। इसके साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन करता है, बताएगा कोई? कौन करता है भैया इसके साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा? सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन करता है? मिजोरम करता है। सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन करता है म्यांमार के साथ? मिजोरम करता है। अब बचे दो राज्य। अगला देश है अपना भूटान। अगला देश कौन सा है? भूटान। भूटान से कितने राज्य साझा सीमा साझा करते हैं? चार राज्य करते हैं। कौन कौन सा? ये सिक्किम, ये पश्चिम बंगाल और इधर पे है अपना असम और ये अरुणाचल। कौन कौन से हो जाएंगे भैया? सिक्किम, सिक्किम हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, असम हो जाएगा और हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। और जो इससे सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, कौन करता है? असम करता है। असम भूटान के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। अब लास्ट आता है अपना अफगानिस्तान। इससे सिर्फ एक ही केंद्र शासित प्रदेश बोलने को राज्य सीमा साझा करता है। कौन सा करता है भैया? वो करता है कौन सा भैया? अपना अभी लेह। कौन करता है? लेह करता है। हालांकि ये वाला जो हिस्सा है वो पीओके में आता है, पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। तो अफगानिस्तान से केवल एक ही राज्य सीमा साझा करता है, वो कौन है? लेह। तो अपन ने भारत के पड़ोसी राज्य को देख लिया, कौन भारत के साथ कितनी सीमा बनाता है इसको भी देख लिया, भारत के कौन से राज्य किस देश के साथ सीमा बनाते हैं ये भी अपन ने देख लिया। और इसके बाद अपन ने क्या देखा कि जो भारत के पड़ोसी राज्य है उनसे, भारत के जो पड़ोसी देश है उनसे भारत के कौन से राज्य सबसे ज्यादा सीमा साझा करते हैं। तो आइए एक बार हम इस क्लास का पूरा अपन रिविजन कर लेते हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी राजधानियों के बारे में हमने आज पढ़ा, उनको रिविजन करने के लिए आप एक ब्लैंक मैप लेकर उसमें भर लीजिए, जिससे आपका राजधानियों का रिविजन हो जाएगा। तो अपन ने आज जो भारत के पड़ोसी देश और उनसे लगने वाले भारत के राज्यों के बारे में जाना, तो उसका एक बार अपन रिविजन कर लेते हैं। तो अपन ने क्या देखा कि भारत के स्थल से लगने वाले सात देश हैं। कौन कौन से? पहला बांग्लादेश, दूसरा है चाइना, तीसरा पाकिस्तान, उसके बाद हो जाएगा नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान और उसके बाद अफगानिस्तान। सात राष्ट्र देश हैं जो भारत के साथ क्या करते हैं? स्थलीय सीमा को साझा करते हैं। सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन करता है? बांग्लादेश करता है, जो कितनी सीमा साझा करता है? लगभग 4096 किलोमीटर। और सबसे कम कौन करता है? अफगानिस्तान, जो कितना है? 106 किलोमीटर। बाकी का आप देख सकते हैं हमारे इस मैप में लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि बांग्लादेश के साथ कितने भारत के राज्य लगते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत के पांच राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। जो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है वो कौन सा है? अपना पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। बांग्लादेश भारत के पांच राज्यों से सीमा साझा करता है। दूसरा है चीन। चीन से भी पांच भारत के राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। पहला हो जाएगा लेह, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है वो कौन करता है? लेह करता है। इसके बाद अगला कौन सा हो जाएगा? अपना पाकिस्तान। पाकिस्तान से भारत के चार राज्य सीमा साझा करते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है वो कौन करता है? जम्मू कश्मीर। क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है वो काफी कटा फटा हुआ है, इस कारण से वहां के जो सीमा साझा करता है वो कौन करता है? जम्मू कश्मीर साझा करता है। इसके बाद अगला हो जाएगा नेपाल। नेपाल से भारत के पांच राज्य है जो सीमा को साझा करते हैं। पहला हो जाएगा उत्तराखंड,
उसके बाद यूपी, उसके बाद बिहार, फिर वेस्ट बंगाल और फिर सिक्किम। जो नेपाल के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है वो कौन करता है? बिहार करता है। नेपाल के साथ कौन करता है? बिहार करता है। अगला है म्यांमार। म्यांमार से भारत के चार राज्य सीमा साझा करते, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है वो कौन करता है? मिजोरम करता है। कौन करता है? मिजोरम करता है। अब भूटान। भूटान के साथ भारत के चार राज्य लगते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल। और जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है वो कौन करता है? असम करता है। और लास्ट कौन सा बचता है? अफगानिस्तान। ये हालांकि पीओके वाले एरिया में लगता है लेकिन इससे भारत का एक राज्य सीमा साझा करता है, जो कौन सा है? लेह। और जाहिर सी बात है यही सबसे ज्यादा सीमा साझा करता होगा। तो आज की हमारी क्लास इधर पे कंप्लीट होती है। अगली क्लास में हम भारत का भौतिक भूगोल चालू करने जा रहे हैं, जहां पर हम भारत के भौतिक विभाजन और भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। नमस्कार।